सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वीवो Y21G मोबाइल में स्मार्ट कॉल सेटिंग को इनेबल कैसे किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट कॉल सेटिंग को इनेबल करके आप अपने मोबाइल को स्मार्ट बना सकते हो और स्मार्ट तरीके से बात कर सकते हो। तो दोस्तों स्मार्ट कॉल सेटिंग को इनेबल करने के लिए आपको यहाँ से अपना सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्मार्ट मोशन का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पे स्मार्ट कॉल का ऑप्शन आ जाएगा, तो स्मार्ट कॉल के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पे स्मार्ट कॉल का ऑप्शन मिलेगा, इसके सामने टिक है, स्टिक को यहाँ से इनेबल कर देना है। स्टिक को इनेबल करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पे डिफॉल्ट कॉलिंग कॉड के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से सिम सेलेक्ट कर लेना है, जिस सिम से आपको स्मार्ट कॉल करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्मार्ट आंसर का, इसके सामने टिक है, इस टिक को यहाँ से इनेबल कर देना है। इस टिक को इनेबल करने से दोस्तों होता यह है, जैसे कि दोस्तों आपके मोबाइल पर कोई भी कॉल आएगा और आप अपने मोबाइल को कान के पास लेके जाओगे तो आपका कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगी, यानी कि बात स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है स्मार्ट स्विच का, इसके सामने टिक है, स्टिक को यहाँ से इनेबल कर देना है। इस टिक को इनेबल करने से दोस्तों होता है कि जैसे आप अपने मोबाइल पे हैंड फ्री में बात कर रहे हो, यानी कि स्पीकर में बात कर रहे हो, और अपने मोबाइल को अपने कान के पास लेके जाओगे तो हैंड फ्री से हैंडसेट हो जाएगा, यानी कि कान वाले स्पीकर में आवाज़ आने लगेगी। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आता है स्मार्ट म्यूट का, इसके सामने टिक है, स्टिक को यहाँ से इनेबल कर देना है। इस टिक को इनेबल करने से दोस्तों होता है कि जैसे कि दोस्तों आपके मोबाइल पे कोई भी कॉल आ रहा है और आप अपने मोबाइल को किसी चीज़ से ढक दोगे या उल्टा रख दोगे तो आपका मोबाइल म्यूट हो जाएगा, यानी कि साइलेंट मोड पर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे चौथा ऑप्शन आता है वाओ टू हैंड्स फ्री, इसके सामने टिक है, स्टिक को यहाँ से इनेबल कर देना है। इस टिक को इनेबल करने से दोस्तों होता है कि जैसे आपके मोबाइल पर कोई भी कॉल आ रहा है और अपने मोबाइल को 2 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्क्रीन की इस तरह से आप घुमाओगे तो दोस्तों आपकी कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगी और हैंड फ्री में बात स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि स्पीकर में बात होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों यही थे स्मार्ट कॉल के फीचर जो कि दोस्तों मैंने आपको बताया। तो दोस्तों इस तरह से आप वीवो Y21G मोबाइल में स्मार्ट कॉल सेटिंग को इनेबल कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।